क्या आप जानना चाहते हैं Xiaomi Mi A2 की अच्छी और बुरी बातों के बारे में? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फोन की अच्छी बातों के बारे में और बुरी बातों के बारे में। आपको शायद पता ना हो पर Xiaomi Mi A2 के अंदर आपको हेडफोन जैक नहीं दिया गया है। यस 3.5 mm का ऑडियो जैक इस फोन के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ये एक बुरी बात है इस फोन की, ऐसा मुझे लगता है। आपके लिए बुरी बात नहीं हो सकती है पर जब आप इस फ़ोन को डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे तब आपको इसकी अहमियत समझ में आ जाएगी। फोन की जो दूसरी बुरी बात है वो है इसमें दिया गया स्लॉट। यस इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलता है, आपको सिर्फ ड्यूअल सिम स्लॉट ही दिया गया है। मेमोरी कार्ड स्लॉट का होना एक अच्छी बात होती है बट उन्होंने नहीं दिया है, पता नहीं क्यों। तो अगर आपके पास एक मेमोरी कार्ड है वो आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आप इस फ़ोन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बुरी बात है उन लोगों के लिए जो अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरी बात बुरी है वो है इस फ़ोन की बैटरी। यस इस फ़ोन के अंदर आपको सिर्फ 3000 mAh की बैटरी दी गई है। Mi A1 के अंदर 3000 mAh की बैटरी थी तो वो उस वक्त के लिए ठीक था, एडजस्ट कर सकते थे हम उस वक्त, पर उन्होंने इस बार भी बैटरी को अपग्रेड नहीं किया है। इस बार भी आपको स्टैंडर्ड 3000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है। ये बैटरी काफ़ी कम है अगर हम इसे Redmi Note 5 Pro के साथ कंपेयर करें। Redmi Note 5 Pro के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है और हमें उम्मीद थी कि इस फ़ोन के अंदर आपको बढ़िया बैटरी देखने के लिए मिलेगी बट उन्होंने नहीं दी है, तो एक खराब बात है इस फोन। दोस्तों ये थी इस फ़ोन की बुरी बात है। अब हम बात करेंगे इस फ़ोन में मिलने वाले कुछ अच्छे फीचर और अच्छी बातों के बारे में। इस फ़ोन की जो पहली अच्छी बात है वो है इसमें दी गई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। यस ये ग्लास आपके फ़ोन को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इस ग्लास का होना एक अच्छी बात है ऐसा मुझे लगता है। अगर आप पुराने फ़ोन यूज़ करते होंगे रेडमी के और आप ऑब्वियसली अगर आपके हाथ से फ़ोन गिर जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो डिस्प्ले होती है उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। और जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है उसके ऊपर आपको कोई भी क्रैक्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगे नॉर्मल ड्रॉप्स के ऊपर। अगला फीचर है वो है 4K वीडियोज़। यस इस फ़ोन से आप 4K वीडियोज़ ले सकते हैं। ये जो फीचर है ये ऑब्वियसली प्रोसेसर के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, तो अगर आपके फ़ोन में अच्छा प्रोसेसर होगा तो ही आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे आपके फ़ोन से। तो यस इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 660 यह प्रोसेसर दिया गया है और इस प्रोसेसर की मदद से आप अच्छी क्वालिटी के 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो एक अच्छा फीचर है। अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर आपको वीडियोज़ वगैरह लेना पसंद है आपके फ़ोन से तो ये फीचर आपको बहुत पसंद आएगा। जो तीसरी अच्छी बात है इस फ़ोन की वो है इसमें दिया गया एंड्रॉयड 1। यस एंड्रॉयड 1 एक प्लस पॉइंट है इस फ़ोन का क्योंकि Xiaomi के जितने भी फ़ोन हैं उनके अंदर आपको MIUI ये यूज़र इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। एक घटिया यूज़र इंटरफेस है ऐसा मुझे लगता है और ऑब्वियसली मुझे काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस मिलता है MIUI इस यूज़र इंटरफेस के साथ। तो अगर आप ऐसे यूज़र हैं जो MIUI पसंद नहीं करते बट Xiaomi के फ़ोन पसंद करते हैं तो आपको ये फ़ोन ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉयड वर्जन मिलता है, साथ ही आपको जल्द से जल्द अपडेट्स भी मिल जाएंगे Xiaomi की ओर से। दोस्तों ये थी इस फ़ोन की अच्छी और बुरी बातें। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो बता दूँ कि इस फ़ोन के अंदर आपको क्विक चार्ज 4.0 ये फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है। ये टेक्नोलॉजी एक अच्छी बात है पर इसके साथ ही बता दूँ कि आपको इस फ़ोन के साथ एक फास्ट चार्जर नहीं मिलता है, तो एक बुरी बात है इस फ़ोन की। तो समझ में नहीं आया, आप चार्जिंग भी दे रहे हो, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी दे रहे हो और चार्जर भी नहीं दे रहे हो, तो ऐसा क्यों? आप जरूर नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए aamTECH को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।